हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल द टेक मास्टर। मैं आज आपको एक USB 3.0 साटा हार्ड डिस्क ड्राइव कन्वर्टर का एक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई भी ऐसी हार्ड डिस्क रहेगी, साटा हार्ड डिस्क जो अपने अपने पुराने कंप्यूटर में रहती है, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते, आपका कंप्यूटर ख़राब होता है, लेकिन आपकी कुछ जो इम्पोर्टेंट फाइल्स या फिर मेमोरीज वो आपके हार्ड डिस्क में रहती है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू गेट दैट फाइल। सो एक प्रोडक्ट है जो आपकी हार्ड डिस्क की सब डेटा आपका एक पोर्टेबल ड्राइव जैसा कन्वर्ट करता है। सो यू कैन यूज़ इट एज अ पोर्टेबल ड्राइव कन्वर्टर। तो इसका मैं एक रिव्यू दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पास एक अपना पुराना कंप्यूटर का एक हार्ड डिस्क था, तो ये सीगेट का है, 180 GB का अभी। तो ये भी IDE टाइप है, जो मतलब नॉर्मल साटा जैसे नहीं है, बहुत पुरानी है, 10 साल पहले की है, तो इसको थोड़ा कन्वर्टर अलग रहता है। तो मैंने जो IDE कन्वर्टर जो लाया है, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने अमेजन से खरीदा था 1400 रुपीज़ का। तो ये देखिए, इसमें एक USB टू USB केबल रहता है जो आपको इस कनेक्टर को लगाना है। उसके बाद एक कन्वर्टर है जो डिस्क है, इसको आपको आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो। तो ये कैसे लगाना है वो भी दिखाता हूँ। और इसमें एक कनेक्टर पिन आती है जो सिर्फ IDE को लगती है। IDE को क्या होता है, IMPS का पावर रहता है, तो वो पावर कनेक्शन के लिए ये आपको केबल ज़रूरी होती है। और इसके बाद एक एडाप्टर, जो ये 12 वोल्ट एडाप्टर से काम चलता है, इसको ऑन ऑफ स्विच रहता है, ये आप देख सकते हो। इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है, ये 12 वोल्ट का चार्जर कनेक्टर, USB और एक IMPS का कनेक्टर। ये सिर्फ IDE को चलता है, साटा को नहीं लगेगा। तो इसमें 3 LED लगते हैं। ये पहली वाली LED अगर आप इधर कनेक्शन किया है हार्ड डिस्क, ये दूसरा वाला जो आप 2.5 इंच की अगर आपके पास हार्ड डिस्क है, जो आपकी अभी रेगुलर पोर्टेबल आती है, उसका अगर कनेक्शन ख़राब हो गया हो तो ये यूज़ करना है। और ये अपना साटा जो इसका नेक्स्ट वर्जन है, तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये IMPS कनेक्शन करना है यहाँ पे। तो ये देखो, ये इसमें एक पोका योके दिया है, तो आपको सिंपली ये जस्ट पुश करना है। उसके बाद जो USB केबल है, एक आपके लैपटॉप को जाएगी या कंप्यूटर को जाएगी, या फिर आप TV या फिर दूसरे जो हार्ड डिस्क कनेक्ट करते हैं उस चीज़ों को लगाना है। ये ऐसा आपको लगाना है। और तीसरा है आपका एडाप्टर वाला, तो एडाप्टर का जो पिन है ये वाला, तो ये सिर्फ यहाँ लगाना है और ये ऑन ऑफ। हाँ, अभी जो ये मैंने लाया है इसको, ये थोड़ा जो अपना एक्सपोर्ट कंट्री में आता है वैसा है, तो आपको इसके सूटेबल एक प्लग पिन लेना पड़ेगा या फिर एक जो कनेक्टर आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना लाइट का कनेक्शन। अभी ये हम हार्ड डिस्क कैसे जोड़ना है दिखाता हूँ। इसके बाद ये जो IMPS का कनेक्शन है 12 वोल्ट का, वो यहाँ पे लगाना है। इस पर भी पोका योके दिया है, तो उल्टा उल्टा नहीं लगेगा, तो प्रॉपर सीधा ही लगेगा। तो ये हल्का सा जेंटली पुश करो। और उसके बाद यहाँ पे देखो ID कहाँ लिखा है, तो ID यहाँ पे लिखा है 3.5 ID, तो ये आपको इधर लगाना है। तो यहाँ पे भी एक स्लॉट दिया है, ये तो प्रॉपर लगाना है आपको ये मैच करके। अगर हल्की सी भी उल्टी पुल्टी हो गई तो आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो आपको ये ऐसा कनेक्शन आपका रेडी है। तो सिर्फ आपको ये प्लग लगाना है और ये USB केबल लैपटॉप को लगाना है, तो आपका ये कनेक्शन चालू हो गया। तो आपको कैसा भी डेटा सेव करो, आपको ये हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो सेकेंड वाला है 2.5 इंच का, अगर आपके पास नॉर्मल कौन सी भी हार्ड डिस्क है जो आपकी पोर्टेबल हार्ड डिस्क रहती है वो ख़राब हो गई, तो आपको लेकिन डेटा यूज़ करना है, तो कैसा यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको 2.5 इंच की हार्ड डिस्क यहाँ लगानी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे पास ये मेरी जो पोर्टेबल हार्ड डिस्क है वो एक थी जो ख़राब हो गई थी। लैपटॉप में भी सेम रहती है, लैपटॉप की भी आप अगर लगाना चाहते हो तो ये 2.5 इंच रहती है, इसकी साइज़ 2.5 है, तो ये 3.5 है, ये 2.5 है। तो इसको ये कनेक्शन है, ये आपको यहाँ पे लगाना है, ये जो आपको दिख रहा है, तो
ये आपको मैच करके, सही से मैच करके लगाना है। तो ये लग गया दोस्तों। तो दोस्तों इस ये दोनों का दो मतलब एट ए टाइम दोनों या तीन या सिंगल, ये तीनों आप चला सकते हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, 1400 में आपकी आपकी पुरानी हार्ड डिस्क आप यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है, आप अमेजन से ख़रीदो। अमेजन से बाहर आपके लोकल मार्केट में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है मिलना, लेकिन अमेजन पे 100% मिलता है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको रिप्लेसमेंट में मिल जाता है। तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, अगर आपकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो आप डाल दीजिए, मैं आपके आंसर का जवाब दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।